माता लक्ष्मी क्यों दबाती है भगवान विष्णु के चरण। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी के चित्रों को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके पैर क्यों दबाती है। आप शायद सोचते होंगे कि श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी हम मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि पत्नी का स्थान पति के चरणों में ही होती है, चाहे वह स्वयं लक्ष्मी ही क्यों ना हो। लेकिन आपको बता दें कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह सच है कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाते रहती हैं, लेकिन उसके पीछे के मुख्य कारण कुछ खास है। धन प्राप्ति की कामना हर व्यक्ति के मन में होती है और धन की देवी लक्ष्मी जी को माना जाता है। विष्णु जी को इस जगत का पालनहार माना जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भगवान विष्णु के बिना नहीं हो सकती। लक्ष्मी जी को संपन्नता की देवी माना जाता है और दोनों पर पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि सभी देवी देवता राजा महाराजा आपको पूजते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप भगवान विष्णु के चरणों को क्यों दबाती हैं? क्या आप भगवान विष्णु को स्वयं से श्रेष्ठ मानती हैं? मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि आपके द्वारा विष्णु भगवान के चरण दबाने के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है। नारद जी के ऐसा पूछने पर माता लक्ष्मी ने उन्हें यह बताया कि संपूर्ण सृष्टि ग्रहों से संचालित है, हम देवी देवता भी इन ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सकते। प्राचीन धर्म शास्त्रों की माने तो स्त्रियों के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का निवास करते हैं, जबकि पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निवास होता है। गुरु और शुक्र के मिलन से धन का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती रहती हूँ। माना जाता है कि जब भी कोई स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो देव और दानवों का मिलन होता है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हीं के चरणों में रहती है। भगवान विष्णु की तस्वीर को आप देखेंगे तो पाएंगे कि माँ लक्ष्मी सदा उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती रहती है। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार लक्ष्मी जी से उसकी बहन अलक्ष्मी अत्यंत ईर्ष्या द्वेष की भावना रखती थी। अलक्ष्मी का स्वरूप में तनिक भी आकर्षण नहीं है। उनकी आंखें डरावनी हैं और भड़कीली हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और दांत बहुत बड़े बड़े हैं। बताया जाता है कि जब देवी लक्ष्मी अपने पति विष्णु जी के साथ होती थी तब उस समय भी अलक्ष्मी उनके दोनों के पास चली जाती थी। अलक्ष्मी के ऐसा करने से लक्ष्मी जी को अपनी बहन अलक्ष्मी का यह व्यवहार जरा सा भी पसंद नहीं आया। तब देवी लक्ष्मी एक दिन अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अलक्ष्मी से पूछा कि जब भी मैं अपने पति के साथ रहती हूँ तो तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाती हो। उन्होंने अलक्ष्मी से यह बात पूछी कि तुम मुझे और मेरे पति परमेश्वर को अकेला क्यों नहीं रहने देती, तुम हम लोगों को अकेला क्यों नहीं छोड़ती। लक्ष्मी जी के ऐसा पूछने पर अलक्ष्मी ने कहा कि मेरी कोई भी पूजा नहीं करता और न ही मेरा कोई पति है, इस कारण से तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी ने क्रोधित होकर अलक्ष्मी को श्राप दिया कि आज से मृत्यु का देवता तेरा पति है, जहाँ भी कलेश झगड़े गंदगी आलस्य आदि होगा वहीं पर तुम्हारा निवास होगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपने पुरुषार्थ के बल पर वश में कर लिया है। लक्ष्मी जी उनके वश में रहती है, वह हर घड़ी सबके कल्याण की कामना रखती है। विष्णु जी के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है, श्री भगवान विष्णु उसका समुचित सदुपयोग करते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु जी के चरणों में उनकी दासी बनकर रहती है और उनके चरण दबाती रहती है। भगवान विष्णु जी को समस्त सृष्टि का पालनहार माना जाता है। सृष्टि की रक्षा और पालन की पूरी जिम्मेदारी भगवान विष्णु पूरा करते हैं। अतः बताया जाता है कि माता लक्ष्मी अपने पति विष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके चरण धूल को साफ करती रहती है, ताकि अलक्ष्मी का उनके पास प्रवेश न हो सके। इसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि ऐसा करके लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु जी को अन्य स्त्री से दूर रखने का प्रयास करती है। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी को दूर भगाने और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए घर में खूब सफाई रखी जाती है और माता लक्ष्मी और विष्णु की खूब मल लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी के अपने स्वामी विष्णु के चरण दबाने के रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।